हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 1.5 फॉर क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। भाई जो नीचे हमें नंबर दिए हैं इनको क्लासीफाई यानी कि सोल्व करके हमें बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। देखो फर्स्ट पार्ट दिया है 2 - √5। हेयर भाई यहाँ पर 2 तो क्या है, रैशनल नंबर है, और √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब भी रैशनल नंबर में से हम इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ओके, तो सो 2 - √5 इज इरेशनल नंबर। तो भाई 2 - √5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट है 3 + √23 ब्रैकेट क्लोज -√23। तो भाई सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + √23 - √23। अब भाई ये √+23 और ये -√23, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो भाई यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, सो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो सो 3 + √23 - √23 इज़ ए रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब भाई हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 2 √7 / √7। अब देखो √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 / 7 बचेगा, और ये 2 भी हमारा रैशनल नंबर है और ये 7 भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सो 2 √7 / 7 √7 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि p/q फॉर्म में है तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है 1 / √2 इजकल टू, भाई यहाँ पे देखो 1 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, और √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। तो भाई सो अब जब हम रैशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर का जब हम डिवाइड देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो इसलिए सो यानी कि इसलिए 1 / √2 इज इरेशनल नंबर। तो जो हमारा 1 / √2 है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और पाई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है ये तो हमारा भाई क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि रैशनल नंबर को जब हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। सो तो 2π इज एन इरेशनल नंबर। तो जो 2π होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आपने 8th क्लास में मल्टीप्लाई करना सीखा था, जो हमारी एक्सरसाइज 11 थी, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसमें देखो फर्स्ट दिया हुआ है हमें 3 + √3 और 2 + √2, ये दोनों किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को बाहर रखेंगे, ये टर्म हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, फिर √3 को बाहर रखेंगे, ये वाला टर्म हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब भाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 √2। 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 √3। और भाई ये क्या हो जाएगा, √3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, √6। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड है 3 + √3 - √3। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी, a² - b² इजगल टू क्या होता था, a + b a - b। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो कितनी है, 3, और b की वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ पे अब इसकी यानी कि ये वाली फॉर्म हमें दी हुई है, ये वाली फॉर्म बनानी है। तो क्या कर देंगे, a² - √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, रूट से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 9 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट है √5 + √2 का स्क्वायर। तो भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, a² + b² + 2ab।
अब इसको इस आइडेंटिटी से खोल देंगे तो यहाँ पे ए की तो वैल्यू क्या है अंडर रूट फाइव और बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट टू। वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट फाइव का स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट फाइव रूट टू। तो भाई रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, कितना बच जाएगा फाइव, प्लस रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा टू, रूट टू है और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई टू, तो फाइव और टू कितने हो जाएंगे सेवन प्लस टू अंडर रूट टेन। तो यही इसका क्या है फाइनल आंसर है। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट है अंडर रूट फाइव माइनस टू अंडर रूट फाइव प्लस टू। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया था सेम इसी तरह से करना है, यानी कि क्वेश्चन की हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है, ये वाली फॉर्म बनानी है, ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट फाइव और बी की वैल्यू क्या है रूट टू। तो अंडर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो फाइव आ जाएगा, माइनस अंडर रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टू, तो फाइव में टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा थ्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।